नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। NIA ने 3 फरवरी 2022 को दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अनिस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। इनके खिलाफ हथियारों की तस्करी, नार्को टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा गलत तरीके से जमीन हड़पने का आरोप है। FIR में इन लोगों के जैश और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के साथ जुड़े होने का भी जिक्र है। NIA ने इसी मामले में दाऊद इब्राहिम के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम रखा है, छोटा शकील पर 20 लाख रुपए, जबकि अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर 15-15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 1993 के मुंबई बम धमाके के अलावा भारत में कई आतंकी गतिविधियों के पीछे दाऊद का ही हाथ था। दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के कराची को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। मई में NIA ने मुंबई से डी कंपनी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मुंबई के पश्चिमी उपनगर में डी कंपनी की अवैध गतिविधियों और आतंकी वित्त पोषण में शामिल थे।